हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, फिंचेस के केज को आज बाहर निकाला है, धूप सेक रही है ताकि इसको धूप लगे। और फिंचेस में अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो या ढीलापन हो तो वो निकल जाए। इनके लिए धूप भी ज़रूरी है, कुछ टाइम के लिए इनके केज को धूप में रखना ज़रूरी है। एची और मैडी अपना वैसे ही बैठे हैं। मैडी तो फिंचेस को ही देख रही है और पैची एक हड्डी के साथ कल से लगा हुआ है। ये पैर भी खोल दिए, इस बाहर वाले केज के पैर सारे खोल दिए। तो इसमें तीन पैर है, एक ने अंडे दिए, एक में बच्चे और एक पैर अभी वैसी ही है। इससे ब्रीड नहीं लेनी, लेकिन फिर भी वो इस केज में बंद होते हैं। और बच्चों वाली मुर्गी ने अपने बच्चे छोड़ दिए और वो ऐसे ही हमारा गर्दियाँ करती रहती है और अंडे वगैरह इसने देने स्टार्ट कर दिए। दोनों ब्लैक मक्खियों को छोड़ें। और आज के इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ वो सरप्राइज़। और आने वाली वीडियोस में भी इंशाल्लाह काफ़ी सारे सरप्राइज़ हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम काफ़ी चीज़ें लाएंगे, तो वो चीज़ें आज या कल तक इंशाल्लाह आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उन चीज़ों का शॉप करेंगे। अभी आपको सरप्राइज़ की तरफ ले चलते हैं। तो एक सरप्राइज़ तो ये कि इस पेयर ने भी अंडे दे दिए हैं माशाल्लाह से। ये इसकी फ़ीमेल हैं और ये इसका मेल है, इसराइली मेल है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, इसने भी अंडे दे दिए। मुर्गे अपनी मस्ती में यहाँ पे, ये भी अपनी मस्ती में। तो हमारे पास आज के लिए दो सरप्राइज़ है, एक सरप्राइज़ इस केज के अंदर है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं सरप्राइज़। तो पहला सरप्राइज़ तो ये रहा, हमारे फिंचेस ने अंडा दे दिया माशाल्लाह। पहला अंडा इनका आ गया, ये देख सकते हैं केज के ऊपर बैठे हैं। और ये वाली फीमेल है जो बाहर है, इसने माशाल्लाह से एक अंडा दे दिया है, अपना पहला अंडा इसने दे दिया है। और अब इंतज़ार है बाकी अंडों का, और इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इसने अंडे दिए हैं। तो एक बार ये अंडे बच्चों पर आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर इसको बड़े वाले केज में शिफ्ट कर देंगे जब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। अब दूसरा सरप्राइज़ ये है कि इसके बच्चे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये इसके बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चों गंडेदार कबूतर है उसके बच्चे, लेकिन ये अंडे तब्दील हो गए थे जिसकी वजह से ये इनको पाल रहे हैं माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छी तरह से केयर करते हैं, इस वजह से इसके नीचे रखे हैं ये अंडे। तो ये इनके बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं। ये ट्रायल बेसिस पे था कि कैसे बच्चे निकलेंगे। उस कबूतर, वो दोनों कबूतर बीमार हो गए थे इनके माँ बाप जो असली है, और फिर मुझे मजबूरन इसके नीचे अंडे रखने पड़े। और ये उस टाइम अंडों पे थी लेकिन अंडे इसने दिए नहीं, तो मैंने इसके नीचे रख दिया और ये पालने लग गई। ये फ्रॉस्टर पेयर है, दूसरों के बच्चों को भी पालते हैं ये पेयर। ये देख सकते हैं इसका फादर भी आ गया है, ये भी इसको देगा फीड। उधर मदर भी दे रही है फीड और बाप भी आ गया। तो माशाल्लाह से ये एक बार पल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये एक पेयर जो है इसको भी फॉस्टरिंग के लिए रखा है, शायद इससे ब्रीड ले लूँ। इसके अभी दो पट्टे मेरे पास है, वो अभी उड़ने के काबिल हो गए, तो देखते हैं अगर उनकी उड़ान अच्छी हुई तो फिर इनसे दोबारा ब्रीड लेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर इनको छोड़ देंगे, ये पैर छोड़ देंगे या तोड़ देंगे इस पैर को। तो अभी आपको आखिरी सरप्राइज़ दिखाते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएगा। तो हमारा आखिरी सरप्राइज़ ये रहा, हमने ये बड़ा सा केज बनाया है। अब इसमें हम इंशाल्लाह मुर्गियाँ पालेंगे, ये स्पेशल मुर्गियों के लिए बनाया है मैंने। तो अब इसको, इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है, हाइट इसकी 3 फीट है, 2.5 है, और विड्थ जो है वो भी तकरीबन 2.5।
फीट के है। तो ये सारे मुर्गे को आप इसमें एडजस्ट करेंगे, लेकिन इंतज़ार बस एक चीज़ का है, वो आ जाए तो उसके बाद इन सबको एडजस्ट करके एक ही केज में कर देंगे। तो फ्रेंड्स बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।